स्वागत दोस्तों आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप बिना दिक्सा ऐप के वहां पर प्ले स्टोर ओपन करके और उसमें क्रॉक्सी प्रॉक्सी से यहां पर यूट्यूब चला रहे थे। तो दोस्तों वहां से आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि आप थोड़ी देर तक ही जो है उसमें यूट्यूब चला पा रहे थे, उसके बाद आपका यूट्यूब ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था और आपको फिर से वही प्रोसेस कर यूट्यूब चलाना पड़ता था। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो चैनल को लादर रखकर सब्सक्राइब का बटन उसको दबाना मत भूलना। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और वीडियो लाइक करने में भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो दोस्तों ये कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ये टैब देख रहे हैं इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली अपने गवर्नमेंट टैब को ओपन कर लेना है और अब आपको यहाँ पर आई के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है और आपको अब यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर कनॉक्स मैनेज की यहाँ पर परमिशन मांगेगा, आपको उसको ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद आपको सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑटो ब्राइटनेस है जो वो कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट टैब में जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा यहाँ पर होती रहती है, लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं और फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर ब्राइटनेस को रख पाएंगे। तो दोस्तों और आपको पता होगा कि यहाँ पर जब आप YouTube को चलाते हैं तो स्क्रीन अपने अपनी बंद हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर मिल गया है। आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको 30 मिनट पर सिलेक्ट कर देना है। अब आपका ये स्क्रीन टाइम है जो बंद ही नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर एक और सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं जहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ फॉन्ट साइज। तो दोस्तों अगर आप इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपके जो भी आप अक्सर देखते हैं वो आपके बड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने इतना किया और देखो कितने बड़े बड़े आपको दिखने लग गए। तो दोस्तों ये 3-4 सेटिंग्स की थी जो आप यहाँ पर कर सकते थे। और अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ओके मैं जब कर देता हूँ तो यहाँ पर सभी यहाँ पर जो भी आप चलाओगे उसमें यहाँ पर सभी बड़े बड़े अक्षर यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत सेटिंग्स की थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।